सो हे गाइज वेलकम बैक टू चैनल एंड फाइनली आज की एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ में। तो गाइज देखो बीजीएमआई को तो पता नहीं, लेकिन बीजीएमआई की टिप्स एंड ट्रिक्स भाई तुम्हारा भाई लाते रहेगा, चाहे वो कोरियन से लानी पड़े या फिर भाई बीजीएमआई से लानी पड़े। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि भाई गेम तो शायद आने वाला है वापस, बाकी तुम्हें क्या लगता है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। बाकी अगर आज की वीडियो की बात करें तो गाइज आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली लॉन्ग रेंज फाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि हमारी स्नाइपिंग आ जाती है, हमारी स्प्रेज आ जाते हैं कि मिड रेंज में हमें फाइट कैसे लेनी है, लॉन्ग रेंज में फाइट्स कैसे लेनी है, ताकि हम से ज्यादा बंदे है ना भाई लॉन्ग रेंज में जो है नॉक कर पाए। बाकी यार गाइस आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। इस वाली वीडियो को लाइक ही में रख रहे हैं भाई 15,000 लाइक्स, तो 15,000 का लाइक ही में फटाफट से कंप्लीट करवा देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियोस के लिए। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले पॉइंट में हम बात कर लेते हैं कि एक्यूरेट स्प्रेज तुम्हें लॉन्ग रेंज में कैसे मारना है। अब देखो तुमने नोटिस किया होगा मैंने एक्यूरेट स्प्रेज बोले, क्योंकि रिकॉइल तो भाई देखो कोई भी कंट्रोल कर लेता है आराम से, जिसकी सेंसी वगैरह अच्छी है तो वो रिकॉइल तो कंट्रोल कर लेगा। लेकिन जो एक एक्यूरेट स्प्रे है ना भाई, सारी गोलियां तुम्हारे एनिमी को कनेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा गोली हेडशॉट कनेक्ट हो, तो वो कैसे करना है तुम्हें, वो एक्यूरेसी तुम कैसे ला सकते हो, तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है ना, वो आ जाती है गाइस एक अच्छी गन यूज़ करना, जो तुम ज़्यादा यूज़ करते हो, जिसके साथ में तुमने ज़्यादा प्रैक्टिस की है, जो तुम्हारे लिए फेमिलियर हो। तो यहाँ पे ये दो गन्स आ जाती है हमारे जो ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, वो होती है SCAR-L एंड M4। अब देखो डीपी वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन डीपी को इतने ज़्यादा लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑल द वो भी तुम्हें भी सबको पता है कितनी ज़्यादा ओपी गन हो जाती है। तो मेनली हम देखो SCAR-L ले लेते हैं। एंड अब दूसरी चीज़ आ जाती है भाई देखो एक अच्छे अटैचमेंट्स यूज़ करना। अब देखो गन्स तो तुम ये वाली यूज़ कर लोगे, लेकिन अगर विदाउट अटैचमेंट्स यूज़ करोगे ना तो अगेन देखो तुम्हारी स्प्रेज कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। तुम जब भी स्प्रे मारो जब भी तुम्हारे हेडशॉट पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो अब अटैचमेंट्स की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले मैं पर्सनल प्रेफरेंस बता देता हूँ कि मैं कौन कौन सी अटैचमेंट्स कौन सी गन पे यूज़ करना पसंद करता हूँ। अब देखो जब भी बात आती है M4 की, तो वहाँ पे देखो एंगल ग्रिप है ना भाई मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है, और बाकी जो भी जितनी भी चीज़ें होती है वो तो तुम्हें देखो लगानी ही पड़ेंगी। वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, एक्सटेंडेड तुमने लगा लिया, स्टॉक लगा लिया या फिर कंपनसीटर तुमने लगा लिया, तो ये सारी चीज़ें तो हमें लगानी ही पड़ेंगी। बाकी अभी एक और चीज़ मैंने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो में बताई थी कि भाई जब भी तुम शॉप में जाते हो ना, तो वहाँ पर तुम्हें एर्गोनॉमिक करके ग्रिप मिलती है, 10 टोकन्स की आती है वो, तो वो तुम ले लोगे ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम्हें भाई एक्यूरेसी मिलने वाली है, तुम्हारा स्प्रे है ना बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जाने वाला है। एंड अभी बात करते हैं SCAR-L की, तो वहाँ पे भी भाई देखो मैं सेम ही अटैचमेंट्स यूज़ करता हूँ, सारी चीज़ें सेम यूज़ करता हूँ। अगर ग्रिप मिल जाती है वो जो एर्गोनॉमिक ग्रिप होती है तो वही मैं यूज़ कर लेता हूँ वहाँ पर। और SCAR-L भी भाई देखो तुम्हें सभी को पता है अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है, और स्प्रेज भी भाई अच्छे खासे जा रहे हैं उस गन से अभी, और मैं पर्सनली यूज़ भी करने लग चुका हूँ उसको ज़्यादा अभी। एंड गाइज इन केस अगर तुम्हें देखो एंगल ग्रिप नहीं मिलती है कभी, या फिर तुम हाफ ग्रिप ज़्यादा यूज़ करना पसंद करते हो, तो वो ग्रिप भी भाई बढ़िया काम करती है एकदम। इट्स जस्ट लाइक कि मुझे है ना भाई एंगल ज़्यादा पसंद होती है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई तुम्हें भी एंगल यूज़ करनी है। अगर तुम्हारा जो है हाफ ग्रिप पे अच्छा स्प्रे जाता है एकदम एक्यूरेसी आ जाती है, तो तुम्हें वही यूज़ करनी है वहाँ पे, तो हाफ ग्रिप भी एक अच्छी ग्रिप हो जाती है। बाकी अदर ग्रिप्स देखो स्प्रेज के लिए मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। तो यार गाइस तो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ टेक्निक्स की, जिनसे कि तुम्हारा जो स्प्रे है ना वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट जाने वाला है। तो यहाँ पे देखो जितने भी प्रो प्लेयर्स को तुम देखते होंगे ना भाई, वो खड़े खड़े कभी भी स्प्रे नहीं मारते हैं, या तो वो क्राउच एंड फायर करते हैं, लाइक क्राउच करके स्प्रे मारते हैं, या फिर क्राउच एंड पीक करके स्प्रे मारते हैं। तो इससे जो है उनका रिकॉइल है वो कंपनसेट हो जाता है, मतलब रिकॉइल है ना भाई एकदम जीरो बराबर हो जाता है, और एक्यूरेसी भी वहाँ पे ऐसे में अच्छी आ पाती है। तो ये चीज़ भाई तुम्हें भी हमेशा करनी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जब भी भाई वो बंदे मारने होते हैं ना उन्हें, तो वो ओपन में भाई देखो खड़े होकर स्प्रे मारने लग जाते हैं, इससे उनका ईजी शिकार हो जाता है और कोई भी बंदा उनको ईजिली मार देता है वहाँ पे। तो गाइस देखो आगे से तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में ये भी चीज़ प्रैक्टिस करनी होगी कि जब भी तुम किसी बंदे को देखते हो ना, फट से तुम क्राउच करके स्प्रे मार पाओ या फिर पीक दे पाओ फटाफट से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्लॉ में है ना ये हो नहीं पाता है, उन्हें एक एक करके एक एक बटन दबाना पड़ता है। तो ये चीज़ की प्रैक्टिस भी तुम्हें करनी चाहिए वहाँ पे। ओके यार गाइस तो अभी थोड़ी सी मिस्टेक्स में तुम्हें बता देता हूँ जो भाई देखो बिगिनर्स है ना वो बहुत ज़्यादा करता है कि जब भी उन्हें स्प्रे देना होता है ना, वो भाई देखो कवर को छोड़ के ना एकदम ओपन में आके स्प्रे मारने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल ये चीज़ गलत करते हैं वो लोग। जब भी तुम्हें स्प्रे मारना है ना और तुम्हारे पास एक अच्छा खासा कवर है, तो तुम्हें ट्राई करना है कि तुम छोटी से छोटी पीक वहाँ पे दे पाओ एंड पीक मार के वहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश करो। तुम क्राउच भी कर सकते हो ऐसे में, जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे जो है ओपन में जाके एकदम स्प्रे मारने की कोशिश करता, तो वो बंदा भाई मुझे ईजिली यहाँ पे नॉक कर सकता था। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है यहाँ पे। अब देखो मैं भी बिल्कुल एकदम कवर में रह के मैं खेलना पसंद करता हूँ, और ये चीज़ है ना भाई अभी है ना गेम में बहुत ज़्यादा लोग करने लग चुके हैं। जब भी तुम ओपन में जाओगे ना तो तुम्हें कहीं ना कहीं से तो पड़ने वाली है। तो ऐसे में जब भी तुम्हें स्प्रे मारना हो ना, तुम्हारे पास अच्छा कवर हो, तो वहाँ पे तुम्हें भाई ओपन में जाके स्प्रे नहीं मारना है। अगर तुम पीक ले सकते हो ना वहाँ से, तो पीक लेके तुम्हें स्प्रे मारना है वहाँ पे। तो गाइस यार ये थी वीडियो आज की हमारी लॉन्ग रेंज फाइट्स के ऊपर। इसका हो सकता है कि एक पार्ट 2 भी मैं बनाऊँ। वैसे तो मैं ये वीडियो बनाने ही वाला नहीं था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों को भाई इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी। वो मुझे बोल रहे थे कि भाई लॉन्ग रेंज की फाइट्स के लिए भी एक वीडियो बनाओ। तो दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया कि यार ये वीडियो भी अपने चैनल पर एक होनी चाहिए, क्योंकि क्लोज रेंज से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन लॉन्ग रेंज से रिलेटेड आई गेस मैंने एक ही वीडियो अभी तक बनाई थी जहाँ तक मुझे याद है। सो आई गेस तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में जिसका स्प्रे वगैरह ठीक नहीं जाता है या फिर वो लॉन्ग रेंज में अच्छा खासा मार नहीं पाता है, तो उसके साथ ज़रूर से शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली एंड गेम प्ले वीडियोज़ के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइज, कीप ग्राइंडिंग।